come on stage. Rizwan Saqib hai, jinhone humse wo virtual assistants. First he hired one of our students, lekin now he has number of students jo ke hamare paas se as a virtual assistant graduate hue. Rizwan Saqib. Mere wale saare pe aap hi salaam ho. मेरे वालों सारे पर आप यूं सलाम को जानता हूं बुजुर्गों ते मानना हूं सलाम होवे दादा दादा जी को जो देर खलो मिला सबका मौला बाबा तो से सुनया ते मिलेगा ते बच्चा बच्चा आज इस बाबा को से आंदा सुरमा में बेचना हाथ चाक सारा जानदा ते कहते ना मेरे सुरमा के थोड़े साथ में बूटियों का अंक ते निचोड़ ले तो अंदर जवा हम पावन को करे रखा हम चुपान योगे ना जा कर रखे ते चंदा में चानना जे अखियां सेंदियां ते उठते ना बंदे त्रटा हो पेंदियां ते पीर मुख जांदी है ते सोच ले जांदी है कि कोई सलाई नाल ठंड पै जांदी है चीज जी बेचना है भला हो सब कैमरा तो लख तो नहीं लगता सीट वाले बुजुर्ग बुलाया जे हाथ में पैसे रखो आया जे मैं आया जे इससे आपने क्या सीखा है आपने यह सीखा कि आज से 30 साल पहले एक शख्स के पास जो सही अपॉर्चुनिटी थी वो क्या थी सीखा आपने यू एक शख्स के पास सही अपॉर्चुनिटी क्या थी प्रोडक्ट तो बनावट है प्रोडक्ट उसका हो सकता है अच्छा भी हो प्रोडक्ट अच्छा था उस वक्त बेसिकली अगर आप आई ड्रॉप्स देखें चीजें देखें तो प्रोडक्ट तो आज ये भी इन्हीं चीजों से नेचर से बनते हैं ना जी नेचुरल चीजों को ही ग्राइंड करते हैं उनके जूसेस निकालते हैं उसी से फिर आगे प्रोडक्ट्स बनती हैं तो वो नेचुरल चीजों को लेके तो डालगा आके जो है खरों के पीस के तो वेस्ट करना लेकिन हम सेल्स टेक्निक में देख रहे हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में देख रहे हैं उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी मेरा भी कट्टर होता था जिससे खुद लोगों के पास जाना पड़ता था जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यू डोंट हैव नीड टू रन अ बस और समवेयर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जो किसी चीज से जैसा मैंने किया मेरे अजीजों मैं एक बात बड़ी खूबसूरत आपको बताना चाहूंगा बीमा के एफ सी का जो ओनर है बता कितने साल की उम्र तक फेलियर रहा 65 इयर्स की एज में जाके वो बंदा खुदकुशी के लिए बैठ गया दरख्त के नीचे पेपर टाइम लिया लिखने लगा 104 डॉलर हाथ में सोचता है कि मैं खुदकुशी कर जाऊं क्यों क्योंकि मैं फेलियर हूं फिर उसके जहन में आया कि गवर्नमेंट मुझे 104 डॉलर देके फेलियर साबित करना चाहती है शायद ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ फेलियर साबित करना चाहती है उसने किसी और रिश्तेदार के पांव पकड़ लिए 87 डॉलर उससे उधार लिए और फिर उसके बाद उस बंदे ने खुदकुशी की स्टेटमेंट लिखते हुए यह सोचा कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं उसे पता चला कि मेरा जो स्किल है जिसकी अभी बात हो रही है मैं किस चीज से स्किल्ड हूं मैं दूसरों की निस्बत खाना अच्छा बना सकता हूं उसने उसी पैसे से क्या किया चिकन लिया उसको अपने तरीके से मसाला लगा के फ्राई किया अपने पड़ोसियों को बेचा और 65 इयर्स के बाद उस बंदे ने जब 65 इयर्स पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 88 तक वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आना शुरू हो गया दिस इज द स्किल रिकॉग्नाइज योर स्किल और स्किल डेवलपमेंट के लिए उसने क्या किया उसे कुछ से खाना पकाना नहीं आता था ऑफकोर्स वो कहीं पर जॉब करता रहा एक रेस्टोरेंट में जॉब करता रहा और वहीं पर उसे पता चला कि उसे खाना बनाना सबसे अच्छा आता है उसने अपने स्किल को कितने साल दिए कितने साल दिए कितने फेलियर्स के बाद वो उसमें बतौर डिशवाशर गया फिर खाना पकाता रहा तो स्किल के लिए पैसा स्किल गेन करने के लिए बिल गेट्स से ज्यादा अमीर कोई है बिल गेट्स आज भी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स करता है क्यों ऑफ कोर्स उसकी एक वजह मैं बताता हूं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगा वो क्यों करता है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के दरमियान में कॉम्पिटिशन एज यू नो आप जानते हैं कॉम्पिटिशन है और माइक्रोसॉफ्ट का क्या प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट हर वो चीज बनाती है जो एप्पल बनाता है मैं गलत तो नहीं गया और एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट कॉम्पिटिशन में बात नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट एप्पल ही चीज देख के बनाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया तो मैं ये बनाऊंगा वो ये देखता है कि मैं इससे बेहतर क्या बना सकता हूं जो मैंने पहले बनाया है मैं इससे बेहतर क्या बना सकता हूं मेरे अजीजों यही राज है बिल गेट्स की कामयाबी का कि वो आज भी अपनी स्किल डेवलपमेंट जो है उसको नहीं छोड़ता बात रही सेलिंग की सेल्स की तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या ग्लेशियर पर फ्रिज बेचा जा सकता है कितने लोग हाथ खड़ा करें जो दावा करते हैं कि ग्लेशियर पर फ्रिज नहीं बेचा जा सकता आप मेरे पास आ जाओ प्लीज नहीं आप क्या बेचा जा सकता कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से जो एग्री करते हैं दो लोगों ने एग्री किया
जी बिल्कुल, इसका मतलब हमारे पास अगर रेशियो देखा जाए तो राउंड अबाउट को 90% 98% लोग कह रहे हैं कि रेशियो प्रेफरेंशियल नहीं बचा जा सकता। मुझे एक साहब चाहिए जो कहते हैं रेशियो प्रेफरेंशियल नहीं बचा जा सकता, प्लीज कैमरा खोल लेना। एक साहब चाहिए आप भेजा दें प्लीज कैमरा खोल लेना। भेज चुका हूँ ग्लेशियर पे, तो आप चाहेंगे कि मैं आपको एक फिल्म भेज के जाऊं? क्यों क्यों आप फिल्म नहीं लेना चाह रहे? एग्जैक्टली मैंने बड़ी जबरदस्त बात की है जी कि वहां पे क्या है ऑलरेडी इतनी सर्दी है कि फ्रिज की जरूरत नहीं है। सर मैंने सर्वे की है आपके घर में तो गैस भी नहीं है, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ फायर? वुड्स जी, इनका कहना है कि वुड्स इज अ सोर्स ऑफ फायर फॉर हिम। क्लियर जी, वुड्स इनके लिए सोर्स ऑफ फायर है। तो सर जो टेम्परेचर इस वक्त ग्लेशियर पे चल रहा है उसमें तो आप पीने का पानी रखे हुए फ्रीज हो जाता है, उसको आप नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? तो मेरा कहना यह है भाई कि ग्लेशियर पे आप क्यों आग जलाते हैं उस पानी को नॉर्मलाइज करने के लिए? बिना फ्रिज को बिजली देंगे तो कूलिंग पैदा करेगा, और उसका केबल एयर टाइट होने की वजह से बाहर चीजों में आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मिलेंगे, उनका आगे मेरे फ्रिज में रखें आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलेंगे। तो ये है वो सोर्स ऑफ सेल, ये है वो पिच जिस पे आप सेल कर सकते हो। तो भाई कहीं पर आप मानते हैं कि ग्लेशियर पे फ्रिज सेल किया जा सकता है? हमारे पिपड़ा रहेगा, अगर अगली बार तो कल मुझे आकर बता दीजिएगा। फ्रिज पर्सन ने क्या किया, उसने घर पे दो मछलियां दी बच्चों को, कहा प्लीज इससे गुजारा करें, बाकी मछलियां बेच के उसने एक बंदे की मजदूरी रखी और एक कुंडी और खरीद ली। अगले दिन जाते हुए मजदूर के साथ ले गया, अब एक गरीब आदमी ने फिर 10 पकड़ी, उन्होंने कितने पकड़े 20, उसने फिर उसमें से 4 पका ली 8 रख ली, अब फिर उसने यही वतीरा रखा। ठीक है, एक महीने के बाद उसने बंदे रख लिए, खुद ऊपर से प्रबंधन करना शुरू कर दिया। टाइम गुजरता गया, टाइम स्पेंड गुजरता गया, बंदों के ऊपर उसने मैनेजर से किया, मैनेजर के ऊपर उसने सीईओ बन के रह गया। तो मेरे भाइयों, आप शुरू करें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, शुरू करें अपने स्किल को डेवलप करें सिलसिले में, दिस विल बी मच प्रॉफिटेबल टू यू एंड आई एम श्योर दैट यू विल वन डे यू विल सेल। क्योंकि आपके भाई मुझे एक बात का डर है कि बच्चे भी सॉफ्टवेयर पे निकल जाना शुरू हो जाए, बाकी तो सारा कुछ हो गया सॉफ्टवेयर पे, तो जरूर इसका फायदा उठाएं। मैंने एक चीज बड़ी खूबसूरत सीखी कि मजदूर बंदे और जो तरक्की करते हैं उसमें फर्क पता फर्क क्या है? तो आपको मेरी टाइम नजर आ रही है, कितने लोगों को नजर आ रही है गले में समोसा सा बना हुआ, जो समोसा से ऊपर का जोर लगाते हैं वो तरक्की कर जाते हैं, नीचे कर जाते हैं वो मजदूर हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।